एपीजे कलाम साहब कहा करते थे कि पास्ट इज द बेस्ट पेपर एंड प्रेजेंट इज द न्यूज़पेपर, जो पास्ट है उसके बारे में कि पास्ट इज द बेस्ट पेपर एंड प्रेजेंट इज द न्यूज़पेपर, फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर, सो रीड एंड राइट केयरफुली अदरवाइज व्हाट विल बी योर फ्यूचर। मैं गोजिन नज़म बोलना चाहता हूँ, मज़हिया नज़म है और इसके मीनिंग भी हैं, बहुत अच्छे मीनिंग हैं इसके। सर मैं आपको बताना चाहूँ, ये गोजिन नज़म है एक ऐसे स्टूडेंट की, जो बच्चा होता है उसका जो वालिद साहब होते हैं उसको स्कूल में दाखिला करवाते हैं, तो उस जो वालिद होता है उसके घर में भैंस भी होती है बाकी, तो वो एक दिन उसको बेचता है, दूसरे दिन भैंस के साथ बेचता है, तीसरे दिन फिर जो है किसी के साथ, तो इस तरह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। कभी उठता है तो छोटे से बच्चे की शादी करवा देता है, फिर बाद में वो छोड़ के एक और शादी करवा लेता है, और ऐसा चलता रहता है, उसकी जिंदगी बर्बाद बर्बाद, अपनी भी बर्बाद, जितना माल खर्चा था उसका वो सब बर्बाद करता है, वो कुछ यूं है। और जो वो लड़का होता है उसका नाम होता है राजू। नज़म यूं शुरू होती है कि राजू पकड़ स्कूल चलायो, राजू पकड़ स्कूल चलायो, कायदो मुको दूजी लायो, राजू पकड़ स्कूल चलायो, कायदो मुको दूजी लायो, कारमा थोड़ा जो काम आयो, राजू मोड़ ऐसा ना उदिन भाई। राजू पकड़ स्कूल चलायो, कायदो मुको दूजी लायो, कारमा थोड़ो जो काम आयो, राजू मोड़ ऐसा ना लायो, स्कूल बाप अटातो ना राजू थेला खातो ना, स्कूल बाप अटातो ना राजू थेला खातो ना। बाप राजू को बड़ो पखंडी, बाप राजू को बड़ो पखंडी, बहुत गुस्से वाला था, बोले हो कोई तक चाली डंडी, बाप राजू को बड़ो पखंडी, बोले हो कोई तक चाली डंडी, कई अदालत वित्रंडी, कई तमाशा देखे मंडी, वकीना बोलो माल लटाता ना राजू ठेला खाता ना। अब आ जाता है शादी का मामला, छोटा सा बच्चा है सब तक इतना दौलत मान मकायो निका जया को ब्याह, कारको दौलत मान मकायो निका जया को ब्याह करायो, जिस दम सफ्तर होश मायो वह छोड़िए बोल जाए, दौलत मान मकायो बहुत कैसे चल रहा यार, राजू और जितने रिकमेंडेशन उन्हें दिए हैं और उन पे काम कर लिया जाए इंशाल्लाह ये कॉलेज हमारा तरक्की करेगा, तो मैं अपने बाद में कॉलेज को फिर सुपर पावर कहूंगा इंशाल्लाह, उम्मीद है ऐसा फ्यूचर में हो और आप ड्रग्स का यूज ना करें। बाकी ये शाबाश।